और बात इस वक्त की बड़ी अपडेट की कर लेंगे। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है और इस दौरान एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी के लिए वक्त मांगा है। एसबीआई ने कहा कि बॉन्ड का नंबर, नाम और कितने दिन का बॉन्ड है ये जानकारी हम अगले 3 हफ्ते में दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये गंभीर मामला है, आपको कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम करना होगा, आपको जानकारी ईसीआई के साथ साझा करनी होगी। ये बड़ी अपडेट इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देते हुए इस पूरे मामले में जो केस है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एसबीआई ने कोर्ट से कहा कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि पिछली सुनवाई के बाद 26 दिनों में आखिर आपने क्या कुछ किया, और ये सवाल के साथ अब एसबीआई की ओर से और समय मांगा गया है कि हमें और समय दीजिए जिससे कि हम अपना जवाब दाखिल कर सके। तो चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और इस दौरान एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी के लिए वक्त मांगा है। एसबीआई ने कहा कि बॉन्ड का नाम, नंबर और कितने समय का ये बॉन्ड है जानकारी हम अगले 3 हफ्ते में दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसबीआई को फटकार भी लगाई गई है। सीधा हम रुक कर लेंगे, हमारे सीनियर एडिटर विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या कुछ कोर्ट की ओर से कहा गया एसबीआई को इस पूरे मामले में? देखिए, आज इस मामले की अहम सुनवाई हुई इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर। देश की जो संवैधानिक कोर्ट थी उसका फैसला आया था और उस मामले में एसबीआई की तरफ से याचिका लगाई गई थी कि 30 जून तक का समय दिया जाए। कोर्ट इस बात से काफ़ी नाराज दिखाई दिया सुनवाई के दौरान और ये कहा कि एक बार जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आदेश दिया है तो उसका पालन किया जाना चाहिए। एक और बड़ी बात जो आज के आदेश में सामने आई कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी पाया और ये भी बताया भी कोर्ट ने कि एसबीआई के जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड थे उसके प्रावधानों में साफ ये लिखा है कि अगर कभी जरूरत पड़ेगी और कोर्ट या कोई जांच एजेंसी चाहेगी तो वो इसके डाटा को ले सकती है, इसको सार्वजनिक करवा सकती है। कोर्ट ने साफ कहा कि ये एसबीआई के इलेक्ट्रोल बॉन्ड डाटा में ये मैंडेट दिया गया है, उसके बावजूद सार्वजनिक करने का प्रावधान है। लेकिन विक्रांत, ये भी बताइए कि एसबीआई की ओर से क्या दलील दी गई इस देरी के लिए? देखिए, एसबीआई का ये कहना था कि इस मामले में ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि उसके पास जो डाटा है वो एक दूसरी ब्रांच में रखे जाते हैं, वहाँ से आते हैं, दो सेट बनाए जाते हैं और उन दो सेटों के एक से एक मिलान किया जाता है। ये एसबीआई की तरफ से दलील दी गई कि अगर ये मिलान का काम नहीं होता, बी और सी का डाटा जो होता है उसका मिलान नहीं करना होता तो वो 3 हफ्ते से भी कम समय में ये काम पूरा कर लेते, लेकिन चूँकि ये टाइम कंज्यूमिंग समय है हम डाटा देने से इनकार नहीं कर रहे। ये एसबीआई ने साफ कहा कि वो डाटा देने को पूरी तरीके से तैयार हैं क्योंकि उनके पास वो डाटा सुरक्षित है और पूरी तरीके से संभाल कर रखा गया है। एक एक चीज उनके पास इस डाटा से संबंधित है कि किसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे, कितने अमाउंट के खरीदे, किसको दिए, किस राजनीतिक दल को दिए, ये तमाम जानकारियां हमारे पास हैं। एसबीआई की ओर से ये कहा गया, लेकिन उसको कंपाइल करने में, उसको एक डाटा को मिलान करने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए कोई जानकारी एसबीआई की ओर से कितना और वक्त मांगा गया है, कोई जानकारी इस बारे में? देखिए एसबीआई ने अभी इस मामले में क्योंकि टाइम मांगा है और ये कहा है कि काफ़ी काम हो गया है तो इसको कुछ और समय में वो कर देंगे। हालांकि जो उनकी याचिका लगाई गई थी उसमें 30 जून तक का समय मांगा गया था और ये भी कहा गया कि अगर ये मिलान का काम नहीं होता तो वो शायद कम समय में इसे पूरा भी कर लेते। अब चूँकि कोर्ट आदेश लिखवा रहा है तो अब इससे साफ हो जाएगा, क्योंकि जब कोर्ट ने आदेश लिखवाना शुरू किया तो उस समय प्रशांत भूषण ने कुछ बोलने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि पहले आप हमारा आदेश सुन लीजिए और अगर आपको लगेगा कि कोई चीज छूट गई है तो आप उसके बाद बता सकते हैं। अब कोर्ट ने साफ ये कहा है कि इस मामले में जो एसबीआई की जो एप्लीकेशन है टाइम की, उसके साथ साथ एडीआर ने जो एप्लीकेशन फाइल की है उसमें ये कहा गया है कि एसबीआई के खिलाफ। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन 30 जून तक का वक्त जो एसबीआई की ओर से मांगा गया था अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो खारिज कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले पे, बड़ी अपडेट 30 जून का वक्त एसबीआई की ओर से मांगा गया था कि जानकारी हम सार्वजनिक कर देंगे और इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये जो गुजारिश थी वो खारिज कर दी गई है एसबीआई की। एसबीआई से साफ तौर पर कड़े लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि 26 दिनों तक आप क्या कर रहे थे, क्या वजह है कि आपने जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की थी, क्या वजह है कि अभी तक, क्योंकि प्रावधान में भी इलेक्टोरल बॉन्ड के ये है कि आपको जानकारी सार्वजनिक करने का प्रावधान है, उसके बावजूद आपने ऐसा नहीं किया। जिस पर एसबीआई की ओर से दलील ये दी गई कि हमारा डेटा अलग अलग ब्रांचेस में होता है और ऐसे में डेटा एक्युमुलेट करना, डेटा इकट्ठा करना और उसके बाद सार्वजनिक करने में हमें वक्त लगेगा और इसी के मद्देनजर
एसबीआई की ओर से वक्त मांगा गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन 30 जून तक का जो एसबीआई की ओर से वक्त मांगा गया था उस पर जो ये याचिका थी, ये रिक्वेस्ट थी, जो गुजारिश थी एसबीआई की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एसबीआई की 3 जून तक के वक्त की मांग को सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया। सीधा हम लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विक्रांत, जिस तरीके से एसबीआई की इस मांग को, इस रिक्वेस्ट को खारिज किया गया है, क्या मायने निकाले जाए, सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रहा है, क्या संदेश देना चाह रहा है? देखिए, आप कोर्ट ने साफ कह दिया है, सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए, कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 12 मार्च तक एसबीआई को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से संबंधित पूरा डाटा इलेक्शन कमीशन को देना होगा और 15 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन उस डाटा से संबंधित सारी जानकारियां अपने यहां पब्लिश करेगा। तो बड़ी खबर है कि एसबीआई को यह कहा गया है कि 12 मार्च का बिजनेस आवर्स खत्म होने से पहले आप अपना पूरा डाटा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से संबंधित सारा डाटा आप चुनाव आयोग को देंगे। आज 11 मार्च है, यानी कल तक एसबीआई को यह पूरा डाटा देना होगा और 15 मार्च यानी 15 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह कहा है कि वो पूरे डाटा को कंपाइल करके अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे प्रकाशित करे। यह बहुत बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर इस समय की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर 30 जून तक का समय मांगा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई सुनवाई के दौरान और साफ ये कहा कि इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए था। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आदेश है तो उसका तत्काल पालन किया जाना चाहिए था और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आदेश आने के बाद भी 26 दिनों तक कोई कदम नहीं उठाया गया, ऐसा लग रहा है एसबीआई की याचिका देख करके। और अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कल शाम का बिजनेस आवर्स खत्म होने से पहले एसबीआई को यह सारा डाटा चुनाव आयोग को देना होगा और चुनाव आयोग 15 तारीख की शाम 5 बजे तक ये पूरा डाटा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से संबंधित सारा डाटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा। तो बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट समय चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को वो समय देने से साफ इनकार कर दिया है। बिल्कुल विक्रांत, ये बहुत बड़ी अपडेट है न्यूज 18 इंडिया पर, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि 30 जून का जो समय एसबीआई की ओर से मांगा गया था, ये मांग जो है, ये रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है और कड़े लहजों में ये कहा गया है कि कल यानी कि 12 मार्च तक को बिजनेस आवर्स खत्म होने के पहले पहले आपको पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, आपको सार्वजनिक करना होगा डेटा, 15 मार्च शाम 5 बजे तक का ये चीजें पूरी फुल एंड फाइनल हो जाए, इस तरह की जानकारी दी है। लेकिन विक्रांत, जिस तरीके से एसबीआई लगातार मांग कर रही थी कि हमें समय लगेगा, अलग अलग ब्रांचेस में हमारा डेटा है, हम एक्युमुलेट करेंगे उसके बाद सार्वजनिक करेंगे, अब तो सीधे 3.5 महीने का वक्त कम कर दिया है। देखिए, कोई अब इस आदेश का पुरजोर पालन करना ही होगा एसबीआई को, क्योंकि कोर्ट ने साफ ये कह दिया है कि कोई समय नहीं देंगे, कल तक का समय है, कल तक एसबीआई को ये सारा डाटा अपना पब्लिश करके देना होगा और सारा डाटा चुनाव आयोग को देना होगा 12 मार्च की शाम तक और उसके बाद 15 तारीख को शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर ये सारा डाटा सार्वजनिक करेगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात अंकिता, इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन करते हुए आप एक एफिडेविट भी फाइल कीजिएगा और कोर्ट ने साफ ये कहा कि इस समय तो हम अदालत की अवमानना का मामला चलाने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन अगर हमें मजबूर ना किया जाए और अगर एसबीआई ने अब जो टाइमलाइन हमने सेट की है उस टाइमलाइन में अगर इस आदेश का पालन नहीं किया तो अवमानना भी चलाई जा सकती है। तो बहुत बड़ी चेतावनी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और अब एसबीआई के सामने कोई और रास्ता नहीं है, उसे अब अगले एक दिन के अंदर ये पूरा डाटा कंपाइल करके चुनाव आयोग को भेजना ही होगा। और कोर्ट ने क्योंकि इस बात पर भी पूरी तहरील की कि आखिर कितना समय लगना चाहिए, कोर्ट ने कहा कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें इतना समय लगना ही नहीं चाहिए था और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आदेश आया एसबीआई को ये डाटा दे देना चाहिए था, ये कोर्ट ने साफ कहा है। और अब कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि अभी वो अदालत की अवमानना नहीं चला रहे, लेकिन अगर ये डाटा अब हमने जो आदेश दिया उसके मुताबिक नहीं दिया गया तो अदालत की अवमानना का मुकदमा भी एसबीआई के खिलाफ चलाया जा सकता है। इस तरीके की लेकिन आमतौर पर विक्रांत हम ऐसा देखते नहीं है कि इतने कड़े लहजे में एसबीआई को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाए जाने की इस तरीके सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया हो। देखिए अंकिता, एक बात समझनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का यह आदेश था,
सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देश की संवैधानिक बेंच सबसे बड़ी बेंच मानी जाती है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर कोई आदेश देता है तो उसका पालन किया जाना चाहिए था। एसबीआई की अपनी दलील हो सकती है कि उसे टाइम ज्यादा लग रहा था और उसके बारे में जब सुनवाई पहले हुई थी उसी समय बताया जाना चाहिए था, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें कितना समय लगेगा। लेकिन जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक समय सीमा तय कर दी है तो उसके बाद उस समय सीमा का सम्मान किया जाना चाहिए। और आज के कोर्ट के आदेश से भी ये साफ दिखाई देता है कि कोर्ट इस बात से कतई संतुष्ट नहीं था कि एसबीआई जो समय ज्यादा मांग कर रहा है उसको ये काम करने में उतना समय लगेगा, क्योंकि कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि हमने ये देखा कि कितना समय लगना चाहिए। तो एसबीआई की इस दलील में कोई गम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा डाटा उसके पास तैयार है, पूरा डाटा उसके पास है, सिर्फ उसे कंपाइल करके चुनाव आयोग को देना था, जो काम वो पिछले 26 दिनों में कर चुका था, क्योंकि याद कीजिए ये आदेश 26 दिन पहले आया था। तो कोर्ट ने साफ कहा कि ये काम अब तक हो जाना चाहिए था। और इसी कारण, क्योंकि कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हुई कि एसबीआई ने जो मांगा है टाइम, उसको और टाइम देने के कारणों से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई, इसी कारण कोर्ट ने कहा कि कल शाम के बिजनेस आवर्स खत्म होने से पहले आप चुनाव आयोग को ये सारी जानकारी दीजिए। और चुनाव आयोग को भी ये कहा है कि आप 15 तारीख बैंक के लिए आदेश दिया है कि आप कल तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है, मैं वेलकम करती हूँ इसका। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास टिप्पणियां की एसबीआई को लेकर, उसके बारे में क्या कहना है? जी, जैसा कोर्ट ने कहा कि आप अभी तक क्या कर रहे थे जब इन्होंने समय मांगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जब सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है, तब ऐसे में इनका ये एक्सक्यूज़ देना कि हम अभी तक नहीं दे पाएंगे, हमें उसके लिए टाइम चाहिए, ये कोई तर्क संगत नहीं है। और मुझे लगता है कि इनके पास होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है इसको टालने के लिए। टुडे कोर्ट इंस्ट्रक्शन, टुडे कोर्ट गिव इंस्ट्रक्शन टू द बैंक्स दैट यू शुड डिस्क्लोज ऑल द डिटेल्स अबाउट द इलेक्ट्रोल बॉन्ड